वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बीते हफ्ते सिख कौम ने नवंबर 1984 दे उस कतलेआम नू याद किया। हजारां लखां बेदोशे उन्हां सिंघां सिंघणियां मावां भैणां बच्चियां दे डुल्ले लहू भिजे वरकियां नू वाचिया जो हिंदुस्तान ने उन्हां दे मत्थे उत्ते उकर दित्ते सन। उन्हां जख्मां दी चीस नू महसूस किया जो 36 साल बीत जाण दे बाद अज भी हरे हन, जिस ते ना मलम लगी ना ही अज तक न्याय मिलिया। इसलिए ये सवाल साढ़े सामने मुँह खोल के खड़े हैं, सिखां दी नसलकुशी कीती ही क्यों गई? की गारंटी है कि दोबारा इस तरह नहीं होवेगा? कि हुण हिंदुस्तान दे हाकमां दी सोच सिखां प्रति बदल गई है, वो सुहिर्द हो गए हैं? जे नहीं ताकि सिख हिंदुस्तान विच बार बार जलील होंदे रहेंगे? इन्हां ही सवालों का जवाब खोजती है अज की एक वीडियो। न्याय मिलना भी नहीं सी, कीता ही इसे लई गया सी तां जो सिखां नूं सबक सिखाया जावे, मुड़ हकां दी गल करन जोगे ही ना रहन। उद्देश भी यही सी, बहुगिणती सोच दी तौंस कायम रहे, फिरकू राष्ट्रवाद मजबूत होवे। इसे लई जून 1984 दा दरबार साहिब ते हमला होया। इंदिरा गांधी दे कतल दे बाद नवंबर 84 विच देश भर विच सिखां दा बहशियाना कतलेआम करवाया गया। इस विच लगभग सारियां ही सियासी पार्टियां, की कांग्रेस, की RSS जां उसदी जनसंघ अते BJP, सब दी मिली भगत सी। इन्हां लई इंदिरा गांधी दुर्गा दा अवतार सी। ठीक है, बहुत वड्डा नुकसान सिखां दा होया, पर सिखां नूं समझ आ गया कि उन्हां दा दुश्मन कौन है। एक बहुत वड्डा भरम जाल टुट गया, भरम जाल जो 1947 दी वंड तों बाद वादियां दे मुकरन दे बावजूद बनिया होया सी। पंजाब दे टोटे करके लंगड़ा पंजाब बना देण दे बाद भी कायम सी। पंजाब दे पानी अते होर कुदरती सोमियां ते कब्जा करके लुट खुसट करन दे बावजूद चलदा रहा कि वह एक आज़ाद मुल्क दे आज़ाद नागरिक हन। पर 1984 ने यह भरम जाल तोड़ दिता। सिखां नूं सबक मिल गया, सिखां नूं समझ लग गई कि वह जिसनों अपना समझते रहे वह अपने नहीं। इस कतलेआम का शिकार वह सिख भी होए जिहड़े दिल्ली की सुर विच सुर मिला के आनंदपुर साहिब के मते का विरोध करते रहे, जिहड़े संत भिंडरां वाले नूं गालां कढ़दे रहे, जो फिरकू मानसिकता दे अगे हथ बन बन के नौ मास दे रिश्ते दी दुहाई देंदे रहे। वक्त गुजरन दे नाल नाल इह सच्चाई होर भी निखर के सामने आ रही है। मुँह लगे खून अते हकूमत दे हंकार दी कोई सीमा नहीं हुंदी। इन्हां दे हौसले होर भी बुलंद हुंदे जा रहे हैं। जो कुछ 1984 विच सिखां नाल होया उसे तरस ते 2002 विच गुजरात, फिर 2020 विच दिल्ली विच मुसलमानां नाल होया, थां थां ते दलितां नाल हो रहा है। लिंचिंग तो लैके ट्रोलिंग भी इसे दा ही रूप हन, क्योंकि फिरकू बहुगिणती किसे दी भी मित नहीं, ना ये देश दे वफादार हन ना ही संविधान दे। अज जो इलैक्टोरल डेमोक्रेसी दा हाल है, जिस तरह दे सिविल लिबर्टीज अते कानून दे राज दे हालात हन, जिस तरह दे शिकंजे विच जुडिशरी जकड़ी हुई दिस रही है अते जिस सहम विच घट गिणतियां जीवन लई मजबूर हन, CAA NRC वर्गे वितकरे भरे कानून जिन्हां दी ज़हनियत हन, की तुहानूं लगदा है कि हिंदुस्तान विच जुल्म दा सिलसिला बंद हो जाएगा? कि भविख विच सिखां दा कतलेआम नहीं होवेगा? अपनी राय हेठां कमेंट बॉक्स विच दिओ, क्योंकि फिरकू बहुगिणती दी तर्जमानी करन वाले दिल्ली दे हाकम हर हाल विच बाकी कौमियतां नूं दरड़ के रखण विच ही कुर्सी पक्की समझदे हन, भावें ओह इंदिरा गांधी सी जां अज मोदी है। ज़्यादा फर्क नहीं,
बल्कि एक नालों दूजा अगे ही है। इंदिरा भी गवर्नरां नूं सूबियां दीआं सरकारां तोड़न लई इस्तेमाल कर रही सी। खिदमत करन वाले चहेते नूं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाउंदी सी। उसदा भी संसद अते संविधान प्रति कोई सत्कार नहीं सी। अपनी पोजीशन अते आइडियोलॉजी नूं मजबूत करन लई, सूबियां नूं कमजोर करके सेंटर मजबूत करन लई, लोकां नूं नथ पाउण लई सब तों वध संविधानक सोधां उसने की। इंदिरा ने भी मनमर्जी नाल बैंक नैशनलाइज किए, करंसी संबंधी फैसले लए, रिजर्व बैंक के गवर्नर नू अपने जेब विच रखिया। उस दे राज विच भी टाटा बिरला अते मफत लाल वर्गे पूंजीपति चमदियां चलाउंदे रहे। उसने भी अपने खिदमती ए एन रॉय नू चीफ जस्टिस बनाया। हाई कोर्ट दे जजां दी नियुक्ति भी हिस्ट्री देख के की जाती सी। आर्मी चीफ भी 3 सीनियर्स नू सुपरसीड करके लगाया। ताकत विच बने रहने लई इंदिरा भी पाकिस्तान दे खतरे दा रोला पाउंदी सी। चोणां जित्तण लई पाकिस्तान प्रति नफरत फैलाउंदी रही। इंदिरा नू भी प्रेस दी आज़ादी, लोकां दी आज़ादी बिल्कुल गवारा नहीं सी। फर्क इन्ना ही है कि उसने एमरजेंसी ला के ऐलान कर दिता, जबकि अज ऐलान नहीं है, लेकिन हालात उस तो भी बदतर हैं। सरकार दा पाग उखेड़ दी खबर लाउण दा हक अज मीडिया पास नहीं है। पत्रकारां नू सवाल पुछण दा हक नहीं। देश हित अते संवेदनशीलता दे नां ते RTI राइट टू इनफॉर्मेशन तो भी सूचना गायब कर दित्ती जांदी है। बीफ, गऊ रक्षा, घर वापसी, लव जिहाद दे नां ते लिंचिंग, लंपिंग अते ट्रोलिंग करन वालियां दा बोलबाला है। बलात्कारियां दे नाल हकूमती पार्टी दे लोग खड़े नजर आउंदे हन। इंदिरा भी अपने आप विच कैबिनेट सी, फैसले ओह करदी सी, बाद विच कैबिनेट उसनूं पास करदी सी। इंदिरा वेले भी चोण कमीशन उही करदा जो उह चाहुंदी सी। CBI, इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अते IB दा इस्तेमाल उह भी धड़ल्ले नाल अपने विरोधियों नूं सिद्धा करन लई करदी। उसने भी संविधानक संस्थावां, जुडिशरी, लैजिस्लेटिव अते एग्जैक्टिव, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कैबिनेट दी कलेक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी, राष्ट्रपति, बाबूशाही अते चौथे थम मीडिया दा मजाक बना के रख्या होया सी। ओह भी कहंदी सी दे वांट इंदिरा आउट, आई वांट पावर्टी आउट। मोदी भी कहंदा दे वांट मोदी आउट, आई वांट करप्शन आउट। ओह भी कहवा के खुश सी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। मोदी भी जपाउंदा है मोदी मोदी। उस वेले भी अपोजिशन पार्टियां बेअसर होकर रह गईयां सन। अज भी हालात यही हैं। इनियां समानतावां नूं देखदे होए क्यास लाउणा मुश्किल नहीं है कि भविख विच की कुछ वापर सकदा है। खास तौर ते जो अज पंजाब दे हालात बने हुए हैं, जिस तरह खेती बिलां नूं लै के दिल्ली जिद ते अड़ी हुई है, किसानां दी मानसिकता नाल खेड रही है, मुतरियां वाला वतीरा वरत रही है, पुतरे हुकमराना वाली हैकर दिखा रही है, लोक भावनावां नूं टिक्चरां कर रही है, समझ लेना चाहिदा है एनफ इज एनफ। इसे करके पंजाब दे शंभू मोर्चे दियां पंथक सफां तों इह गूंज साफ सुनाई दे रही है, आखिर कद तक गुलामां वांगू मंगते बने रहांगे, कद तक बार बार जलील होंदे रहांगे। हुण समा आ गया है कि असी अपने फैसले आप करन जोगे बणीए। गुरु सिद्धांतां नाल जुड़ के इकमुठ हो के ही कूड़, फरेब अते जबर जुलम दा मुकाबला कर सकदे हां। संघर्ष नूं निश्चय कर अपनी जीत करों दे मुकाम तक लै जा सकदे हां। यही उन्हां लखां शहीदां नूं साड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी जो इस फरेबी वितकरे परे निजाम नाल जूझदे हुए शहीदियां पा गए, जो इस चालबाज हकूमत दे किनौने बहशी पुणे दा शिकार हो गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।